So good morning friends, welcome back to our channel Gypsy Bharat. एक नई सुबह के साथ हम उठे हैं कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में. ये गांव है मोचा और यहां पे पूरा जो है गांव बसा हुआ है हमारा. और सुबह सुबह उठते ही रुद्रा ने अपना टीवी लगा लिया है. आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए वो अपना टीवी एंजॉय कर रहा है सुबह सुबह. और बारूल लगी हुई है ब्रेकफास्ट की तैयारी में. तो चलिए चलते हैं पारुल के पास. चलिए मैं जा रहा हूँ किचन की तरफ. ये दिख रही है पारो. गुड मॉर्निंग पारो, क्या बन रहा है भाई सुबह सुबह? क्या तैयारियाँ चल रही हैं? पोहे की तैयारी है. सब्जी बना दी है. दिखाओ क्या सब्जी बनाई हुई. कद्दू की सब्जी लंच के लिए. अरे वाह क्या बात है. अभी आप बना रही है पोहा. पोहा भिगो के रखा हुआ है, प्याज कट चुके हैं और मूंगफली भुनी जा रही है. वाह चलिए पोहा खाते हैं और फिर आई बिलीव आज कोई जंगल ट्रेल की तैयारी वगैरह चल रही है. वॉक वगैरह जाना है. चले हाँ हाँ है, तभी तो जल्दी भी काम कर रहे हैं. चलो गुड ओके. तो जी दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे हमने रात को कैंप किया है. आपको मैंने दिखाया, आपने देखा हमारी गाड़ी ऐसी लगी हुई है कि हमारी बालकनी जो है बिल्कुल जो है रिवर साइड पे खुलती है. ये देखिए और ये है रिवर साइड. सच अ ब्यूटीफुल व्यू. ये यहाँ की मेन रोड है जो बंजर नदी के ऊपर से निकल रही है. ये बंजर नदी है इसका नाम. और यहाँ से ये निकलती है. और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साथ और कौन कौन है. तो आप ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है रिवर का व्यू हमें मिलता है. और ये आप देख सकते हैं पूरा जो है ओवरलैंडिंग ग्रुप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं. अभी कुछ छूना नहीं, वो गरम होगा. तो ब्रेकफास्ट में बनाया है पारुल ने पोहा और सर्व किया जा रहा है.
डाल देते हैं। जैसे कमांडो ना जंगल में कुमार आ जाओ, कमांडो जब खाने को नहीं मिलता है तो सांप खा लेते हैं, तो इसे हमें भी जब वेज नहीं मिलता तो अंडे तक तो हम आ ही जाते हैं, अंडे तक तो हम आ ही जाते हैं। टोस्ट ऊपर का भी छोटा है, ऊपर से डालना नहीं नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। इन लोग के स्कूल में ना, मैम बैठो ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं बैठना, मुझे बैठना। जैसे इनके स्कूल में ना लोअर केजी अपर केजी से भी ना ऐसा पिक्चर दिखा के ना रीड करवाते हैं, पिक्चर वॉक मतलब पढ़ लेता है, मतलब सेंटेंस ना थोड़ा बहुत पढ़ना पूरा करना है इसको। हाँ कितने लोग हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी एक एक ड्रॉप आउट होंगे, पहले 10 लोग लेंगे। नहीं नहीं 20 25 लोग। आप एक काम करिए हरीश जी, आप तैयार हो गए हैं तो, पर 10 लोग ड्रॉप आउट हो गए, आप वहाँ चले जाइए और वहाँ का नंबर पता कर लीजिए कितने लोग जाना चाहते हैं। तो प्लान बना है अभी जंगल सफारी पे जाने का। जंगल सफारी में बेसिकली हम लोग ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, जंगल ट्रेल के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं सोचा थोड़ा बहुत सामान पैक कर लूँ उसके लिए, जो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है पानी, तो पानी की दो बोतलें रख लेते हैं, दो बोतल पानी भर लिया है और फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको जंगल ट्रेल के ऊपर। एडम एंड ईव का जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है ना, वो देखना है वो क्या था, मुझे तो ऐसा ही लगा। सो हर जगह हर जगह ही नया चीज मिलेगा। दिस इज द पॉलीगॉन बिगर वन। ओके आप आ गए, आ जाइए बच्चों को लेके। 1.5 1.5 लिटिल लिटिल ओके। 5 मिनट में जो नहीं किया उसको छोड़ दिया जाएगा। लिटिल जाने वाले आपको तो चाहिए ही नहीं, आप तो दौड़ के चढ़ जाओगे, दूसरों को चाहिए होगा। आंध्रा में कोई जगह थी, मैं को नाम स्पाइसी प्लेस इन आंध्रा, चिली। आंध्रा में एक ए से नाम है चिली, मतलब मेरी फ्रेंड थी वहाँ की, वो लाती थी वो रेड चिली का, वो एक गुंटूर चिली का है पिकल, तो चिली फ्रॉम गुंटूर, बट फिर भी वो बहुत कम स्पाइसी होता है। भूत जलोकिया इज द स्पाइसीस्ट इन इंडिया, नागालैंड का। क्या करोगे पानी का? करेंगे
तो जी अभी हम आए हैं, ये है पारिस्थितिकीय विकास केंद्र खटिया नारंगी। दर्जी ने अमित जी का नंबर दिया, उनसे बात हुई तो अमित जी ने बोला कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा किसी ये ये जो प्रोग्राम हुआ था तो पहले तो हमारा था नेचर ट्रेल का, फिर बाद में पता लगा नेचर ट्रेल का भी टाइमिंग वही है जो टाइमिंग हमारे पास बर्ड वॉचिंग के लिए किसी को जाना हो तो बर्ड वॉचिंग की बर्ड वॉचिंग बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक्सपर्ट मिलते हैं जो स्पेशलिस्ट रहते हैं। नेचुरलिस्ट जाएगा, नेचुरलिस्ट जाके फिर आपको बर्ड से बताएगा कि ये कौन सा बर्ड है, कहाँ कब कब पाया जाता है और इसका उसके थोड़ा सा उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी लोग बताएंगे। पहले से ही यहाँ के बारे में बात होंगे आपको, हमारे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा और टाइगर रिजर्व है कान्हापुर। हिंदुस्तान से छोड़िए आप उसको यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी कान्हा की पहचान है। इस कान्हा टाइगर रिजर्व में रेंजर्स आप लोग जानते होंगे, एक सिस्टम बना हुआ रहता है मैनेजमेंट के लिए, उसके तहत रेंज बनाई गई है, हमारे प्रोड्यूस है उसका कलेक्शन है, कोई छोटे मोटा लकड़ी का उनका जलाने के लिए लकड़ी है वो कलेक्शन का वो भी दे सकते हैं और छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकते हैं। बट और मैं किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित ही है हमारा सारा एंट्री यहाँ पे जो अपने गरीब दिख रहा है इसमें। ये सब डोनेशन है और इसका ये सब एरिया वाइज सब दिया है कि नेशनल पार्क का कितना एरिया है, बफर जोन का कितना है, टोटल कितना हो गया, डिफेंस वाइल्ड लाइफ एजेंसी को बता रहा था ये इसका टोटल एरिया हमारा जो है 2185.057 1 किलोमीटर का है। शानदार प्रदर्शन कर मादाओं को तक के गांवों के विस्थापन के बाद खाली हुए वन क्षेत्रों में बारहसिंघा के अनुकूल आवास बनाने से हुई। कुछ बारहसिंघों को प्रीडेटर प्री बाड़े में भी रखा गया। अभी हम गए थे जो म्यूजियम तो नहीं, मतलब उनका ऑफिस था वो, वहाँ पे हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाई उन्होंने जो रेंज ऑफिसर थे और उसके बाद अभी हम जो है खटिया गेट यानी कि जो कान्हा नेशनल पार्क का मेन गेट है एंट्री का, खटिया गेट बोलते हैं इसको, वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले तो लंच करेंगे, 1 बज रहा है, लंच का टाइम है, लंच करेंगे अर्ली लंच और उसके बाद 2 बजे जो है यहाँ से हमारी जंगल सफारी के लिए हम बफर जोन में एंटर करेंगे। उम्मीद है आज शायद चलो टाइगर दिख जाए, क्योंकि उम्मीद तो हमेशा सबको रहती है। तो लेट्स सी, मिलते हैं जंगल के अंदर।